बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं एज अ व्यूअर तैनेर पार्टियां देखता था आपका। मैं 3 साल पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कोविड के नाइट, मैं मेरी फैमिली सब लोग देखते थे। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मुझे बाद में एज एन एक्टर काम करने का मौका मिले, और अब इसे 3 साल हो गए हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि अब मैं इसका पार्ट भी हुई। तो दिस सिस्टम ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी। मैं आज भी कभी कभी रात को सोच से बैठता हूँ कि यार हमारे चीफ साहब भी सोचा नहीं था कि वाकई में डाउन करूँ और लोग भी मंगेश मंगेश तेरे बुलाएं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग एंड मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसी पेंटिंग में होता रहे और मैं भी ऐसी राधे डालता रहूँ धीरे धीरे। फेवरेट वाकता मेरा है जब मेरा और बोलीबल के साथ आते नवरात्रि में हुआ, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आया। तो मैं अपना ही बोलीबल देखिए फिर कम वो है ना, तो एक्टर एज एन ऑडियंस विद दिस फीडबैक मिलता है वो तो बहुत अच्छा है। कब दोबारा ये बस प्यार कर करो, कीप वॉचिंग मंगेश, कीप लविंग हिम, वो जैसा भी है बस ऐसे ही है। बस थोड़ा रिलेट कर लिया करो कभी कभी, और रूड नहीं है, नजबैटी वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है। और मुझे आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं छोटे, तो नहीं लगता था कि बच्चों को मेरा कैरेक्टर पसंद आता था। ऐसा लगता हो कि यार कितना मुझे जाना पूरे टाइम डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन बच्चे आके जब मुझे ऐसा करते हैं कि मंगेश भैया हमने ये आपके साथ फोटो नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है। और ये सब मुझे बाकी टीम ने भी वैसे ही मिला, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट।